कभी देश के बड़े उद्योगपतियों में से कहे जाने वाले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने इस चार्जशीट में दावा किया है कि माल्या के पास बैंकों से लिए कर्ज को लौटाने का जितना पैसा था उसने ऐसा नहीं किया, उल्टा वो देश छोड़कर भाग गया। माल्या पर आरोप है कि उसने करीबन 17 बैंक से कर्ज लिया और वापस नहीं दिया। माल्या पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने यूरोप में कई जगह प्रॉपर्टी खरीदी। चार्जशीट के मुताबिक माल्या ने साल 2015-16 में इंग्लैंड और फ्रांस में करीब 330 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी। इसके अलावा उसने उसके बेटे के ट्रस्ट में पैसे ट्रांसफर किए। उसके बेटे का ट्रस्ट स्विट्जरलैंड में है। माल्या पर 900 करोड़ रुपए का IDBI बैंक का कर्ज बकाया रखने का आरोप है। सीबीआई के अलावा ईडी भी माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है।